तो यानी ये ऑलरेडी हमारे एटमॉस्फेयर में है आलोक जी, और हमारे वातावरण में है, लेकिन ये घर घर जाता है जब हमारी इम्यूनिटी ड्रॉप होती है। नॉर्मली ये जो इन्फेक्शन है ये हमें परेशान नहीं करता है, जिसकी इम्यूनिटी कम होती है उसी को परेशान करता है। आजकल प्रॉब्लम ये हो गई है कोविड के साथ कि शायद थोड़ी बहुत इम्यूनिटी तो कोविड से भी आपकी हमारी कम होती है अगर इन्फेक्शन होता है, पर वो थोड़ी ही होती है। पर साथ में अगर डायबिटीज़ हो तो ये इम्यूनिटी में और इशू आ जाता है, और कई बार कोविड की वजह से डायबिटीज़ बिगड़ भी जाती है। तो अगर आपके कोविड भी है डायबिटीज़ भी है, उसके ऊपर से क्या हो रहा है कि आजकल जो है बहुत ट्रीटमेंट्स जो कोविड के लिए दिए जा रहे हैं वो उनसे भी थोड़ी इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो जो स्टेरॉयड का ट्रीटमेंट है जो आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इसके लिए, इन सब चीज़ों को मिल मिला के जब इम्यूनिटी कम हो जाती है तो फिर से इस इन्फेक्शन को उभरने का मौका मिल रहा है आजकल। और ये कोविड पेशेंट्स में स्पेशली जिनको साथ में डायबिटीज़ है, जिनकी ब्लड शुगर बिगड़ रही है, या उनको जिन्होंने के स्टेरॉइड्स का ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी रहा है, उनमें ये प्रॉब्लम दिख रही है। ये डायबिटीज़ वाले एंगल पे मैं ज़रा थोड़ी देर में आता हूँ, लेकिन उससे पहले एक सवाल है, और डॉक्टर निखिल मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या हर मरीज कोविड 19 का हर मरीज ब्लैक फंगस की चपेट में आ सकता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। मतलब इसमें असल में ये बीमारी इतनी प्रचलित नहीं है जैसे हमें हमें लग रहा है, लेकिन इसमें दिक्कत जो आती है कि इससे नुकसान बहुत पहुंच सकता है और इससे मृत्यु होने की संभावना होती है। तो एक कोई जो इस बीमारी से ग्रस्त हो गया उसमें उसके दुष्प्रभाव की संभावना बहुत होती है, और जैसे मैंने कहा एक प्रपोर्शन है मरीजों का जिसमें ये जानलेवा भी हो सकता है, लेकिन ये जो टोटल प्रपोर्शन है कोविड के मरीजों में जिसमें अनुमान लगता है कि ये ब्लैक फंगस हो सकता है वो 1% से भी कम रहेगा। इसकी क्योंकि गंभीर बीमारी है इसलिए इस विषय पे काफ़ी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, और इसी वजह से हम प्रयास भी ये कर रहे हैं कि वो 1% ना होते हुए, मतलब वो नहीं के बराबर हो जाए तो और भी अच्छा है, क्योंकि एक बीमारी से आप बच के फिर दूसरी बीमारी से ग्रस्त हों, उसकी वजह से कोई और आपको संकट पहुंचे और जान पे भी संकट पहुंचे, वो हमें हर हालत में हमें उसको प्रिवेंट करने की आवश्यकता है। अच्छा आलोक जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या होम आइसोलेशन वाले मरीज को भी ब्लैक फंगस का खतरा है? तो अभी तक डेटा सामने आया है, अगर अगर आप होम आइसोलेशन पे भी हैं, अगर आप डायबिटिक हैं, अगर आप स्टेरॉइड ले रहे हैं तो आप हाई रिस्क ग्रुप में आएंगे, तो थोड़ा खतरा है। वैसे जैसे अभी डॉक्टर टंडन ने कहा है, बहुत प्रचलित बीमारी नहीं है, क्योंकि गंभीर है इसलिए इतनी बात हो रही है, पर ऐसा नहीं है कि कोई बहुत हाई रिस्क होता है। रिस्क तो लो ही होता है इसका होने का कोविड के बाद, हाई रिस्क ग्रुप हो तो थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है, पर हाँ होम आइसोलेशन में हो सकता है। अच्छा मेरा अगला सवाल